है उनको योग करना हो, 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 25 तक, 1 से 40 तक, कितनी भी संख्याओं का योग का सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए ना, तो अपने को इसी फॉर्मूले से निकालना है। और औसत निकालना है तो एन प्लस वन बटे दो, ये है ना किसकी संख्या है, एक प्रथम प्राकृत संख्या है। 1 से स्टार्ट होकर आपको सवाल पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और इसके अलावा आपको ये पूछ ले कि 7 से शुरू होकर 25 तक की क्रम, 7 से 25 तक जो ये प्राकृत संख्या है, इन प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि प्रथम संख्या कौन सी है, 7, अंतिम संख्या 25 है, इसमें जोड़कर किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, तो अपने पास वैसे औसत आ जाएगा। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या 7 प्लस 25 बटे 2, तो एवरेज निकल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे एवरेज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है एवरेज के अंदर कभी कभी ये पूछा जाता है कि 5 बंदे थे, एक बंदा और शामिल हो गया, या 5 बंदे थे उनका औसत कुछ था और उसमें एक बंदा निकल गया, तो कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके बाद है, वो एग्जाम्पल ये है कि यदि यदि चार छात्रों के पास औसत रुपए 80 है, यदि एक नया छात्र जिसके पास 100 रुपए हैं शामिल हो जाता है तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पर नया औसत भी पूछ सकता है, कितनी वृद्धि होगी। ये एग्जाम में ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, 4 छात्रों के पास और एक नया बच्चा और आता है उसके पास है 80 रुपए। अब ये क्वेश्चन देखो, 4 बच्चों के पास औसत रुपए है, कोई भी 4 बच्चे ए बी सी और डी, औसत रुपए 80 है, इसका मतलब इसके पास भी 80 रुपए हैं, इसके पास भी 80 रुपए हैं, इसके पास भी 80 रुपए हैं और इसके पास भी 80 रुपए, इन सबके पास 80 रुपए हैं। ये होता है एवरेज का मतलब। रियल में हो सकता है इसके पास 90 हो, इसके पास 70 हो, अपन एवरेज की बात कर रहे हैं। अब उसने कहा एक नया बच्चा और ऐड हो रहा है, ई बंदा, एक बंदा और आया, अब इसके पास रुपए कितने हैं, 100, पूरे 100 रुपए। अब आपको पता होता कि अगर यहां पर इसके पास 80 रुपए होते ना, तो औसत में कोई भी ना वृद्धि होती ना ही कमी होती। ये ध्यान रखना, नया बच्चा आता है एक, उसके पास अगर औसत के बराबर रुपए हैं, औसत के बराबर वजन है, औसत के बराबर उम्र है, तो नया औसत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर 80 से ज्यादा रुपए होंगे तो औसत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब 80 से ज्यादा रुपए है, उसके पास 100 रुपए है, तो कितने रुपए ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अब ये 5 बंदे क्या करेंगे, इन 20 रुपए को आपस में बांट लेंगे। ये समझ लो आप, 20 रुपए है, 5 बंदे आपस में बांटेंगे तो कितने कितने रुपए सभी को आ जाएंगे, 4-4 रुपए आ जाएंगे। तो इस तरह से औसत में वृद्धि कितनी हुई, 4 रुपए की। और नया औसत पूछ ले तो पहले 80 था, अब 4 और हो गया तो कितना हो गया, 84। ये बात समझ भाई। अब अगर इसकी जगह ये आप उतार लो, 4 बच्चों का औसत 80 था, एक बंदा और आया उसके पास 100 रुपए थे, अब आपको पता है यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है, 20 रुपए की वृद्धि हुई है। ये आपको देखना, अब 20 रुपए टोटल बच्चों में बंटेंगे तो औसत वृद्धि का, ये मैं वृद्धि औसत में वृद्धि का एक नया शॉर्ट सूत्र बताता हूँ। औसत में वृद्धि बराबर आप ये लिखो, जो संख्या में वृद्धि हुई है अपने पास में, जो भी संख्या थी उसमें वृद्धि हुई है, बटे जो संख्या ना, वो संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, औसत से कितनी वृद्धि हुई है, वो अपने को देखना है। या फिर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, नई संख्या है ना उसमें से पुराना औसत घटा दो, और अब बट्टे में क्या करो, कुल संख्या का भाग दे दो। ये औसत में वृद्धि का फॉर्मूला आ गया आपके पास। नई संख्या कितनी है, 100, उसमें से पुराना औसत घटा दो, पुराना औसत कितना है, 80, और कुल बच्चे कितने हैं वो लिखना है। 4 पहले थे, एक बच्चा वो भी शामिल होगा, अब 5 हो जाएंगे। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और है कमी वाला, मैं बता रहा हूँ कमी वाले क्वेश्चन के अंदर में, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक खिलाड़ी की 10 पारियों में, 10 पारियों में औसत रन संख्या है वो कितनी है, ये मान लेते हैं अपन ज़्यादा 54 रन, मतलब हर पारी में वो कितना रन बना रहा है, 54 रन तो बना ही रहा है। अब यदि
ग्यारहवीं पारी में शून्य पर आउट हो गया। कितने पर आउट हो गया? शून्य पर आउट हो गया। तो अब औसत कितना होगा? तो अब औसत कितना होगा? ऐसे नहीं करना आपको, आपको पता है आप ये सही कर रहे हो। इस विधि से भी योग विधि से कर लो, सही बोला कि आप। एक विधि तो वो है, मैंने आपको टेबल बनाने में संख्या, फिर उनका औसत, फिर आपको योग। ये एक नई टेबल बना लो, उसमें पहले 10 पारी है, औसत कितना है 54, टोटल कितना हो गया 540। नई से एक बंदा और है या नई पारी है, औसत नहीं है, टोटल भी 0, संख्या हो गई 11, औसत पता नहीं है अपने को, x लिख दो, योग कितना है 540 ही रहेगा। अब क्या होगा, 11 का भाग दे दो 540 में, जो भी आंसर आएगा वो नया औसत होगा। कितना आएगा? 4,49.09, ऐसा हो जाएगा। सही है, 49.09। अब अपने पास ये डाटा था 10 पारियों में। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं? देखो, डायरेक्ट ऐसे किया जाता है कि आपको पता है औसत कितना है 10 पारियों का, 54 है। अगर ये 11 पारी में 54 रन लेके आता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। 54 से कम ला रहा है तो औसत में कमी होगी, और 54 से ज्यादा रन लाएगा तो औसत में वृद्धि होगी। लेकिन इसने क्या किया, बिल्कुल भी कोई रन नहीं बनाया, शून्य पर आउट हो गया। अब कमी कितनी होगी? अब आपको पता है कि 54वीं पारी है, ये सारे रन इसमें जुड़कर कमी होगी। तो कमी बराबर लिखो, पुराना औसत कितना है 54, 54 में किसका भाग दे दो आप, 11 का भाग दे दो। पुराना औसत माइनस नई संख्या बटे कुल संख्या, ये होती है कमी। औसत में कितनी कमी होती है, ये औसत में कमी का सूत्र है। पहले अपन औसत में वृद्धि का सूत्र निकाला था, औसत में कमी कितनी होगी, पुराना औसत में से नई संख्या जो भी है उसको घटा दो और 11 से डिवाइड कर दो। अब आपको पता है 54 में आप 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 11 चौक 44, और फिर आएगा 0.09। ये आएगा 4.0, नहीं है 4.9, ऐसा है, ये इतनी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप निकाल, डाटा ऐसा लिया हुआ है जिससे आपके एजिस भी नहीं होता। अब एक देखो, एक खिलाड़ी के, वापस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी की 10 पारियों के औसत रन, 10 पारियों का औसत रन है वो कितना है, वो सेम टू सेम लेते 55 है, और 11वीं पारी में वो रन बनाता है शून्य। तो अब नया औसत 11वीं पारी में शून्य रन संख्या हो तो अब नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा बताइए, क्या होगा? अब आपको पता है 55 में कितने का भाग दे दो, 11, कितना आया 5। अब 5 की क्या हो जाएगी, इसमें से कमी हो जाएगी, 55 में से 5 घटा दो उत्तर आ जाएगा 50। इतना शॉर्ट है। अब आप कह रहे थे इतना फास्ट किया, मैं तो पता ही नहीं चला, मैं वापस बता देता हूँ। 10 पारियों का औसत रन है 55, 11वीं पारी में जो भी आई उसमें कितने रन बनाए उसने, 0। अब क्या होगा, मैंने बोला था पुराने औसत में से नई संख्या घटा दो, पुराने औसत में से नई संख्या घटा दो और कुल संख्या का भाग दे दो, ये आती है कमी। तो कमी कितने की हुई है, 5 की। तब नया औसत पूछा है यार, औसत में कितनी कमी हुई है ये पूछता, जो भी पूछता, आपके पास दोनों उत्तर है। नया औसत 50 है, औसत में कमी है वो 5 की है। अब उसी प्रकार एक और सवाल, ऐसे कैसे सवाल आते हैं जिसमें पारी या नई संख्या आपके बढ़ती नहीं है, तब क्या करोगे? जैसे एक एक विद्यार्थी के पांच विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, मैं कितने दे दूं आपको, 54 हैं। यदि बाद में पता चला कि एक विषय में गलती से 55 की जगह
55 की जगह 75 जोड़ दिए हैं तो सही औसत क्या होगा। अब यहां पर पहले आपके एक बंदा और ऐड हो रहा था या एक पारी ऐड हो रही थी, यहां पर कोई सब्जेक्ट नया ऐड नहीं हो रहा है। आपको यह कह रहा है कि पांच विषयों के औसत कितने हैं, 54 है। अपने को पता चला है कि आपने जो इस औसत में एक पारी है ना वो 75 ऐड की है, वो 75 नहीं थी, कितनी की थी, 55 की थी, 75 वो 55 ही थी और आपने 75 जोड़ दिया। आपने कितने ज्यादा जोड़े हैं, 20 ज्यादा जोड़े हैं। तो अब आपके कमी कितने की हुई है, तो कमी हुई है 20 अंक की। तो औसत में कमी कितनी होगी, ये 20 का प्रभाव सारी विषयों पर पड़ेगा तो औसत में कमी होगी 20 बटे कितने विषय है, 5 बराबर 4 अंक की। औसत में कमी कितने की होगी, 4 अंक की। तो पहले 5 विषयों का औसत प्राप्त अंक 54 है, तो नया औसत या सही औसत क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि 54 में से 4 घटाएंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 50। ये ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, इसमें पारी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, सेम टू सेम आ रह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कमी की जगह अगर कितनी वृद्धि हुई है ये भी पूछ सकता था। कैसे पूछ सकता था, ये बोल सकता था कि 75 की जगह 55 जोड़ दिए। अब आपको पता है कि 20 कम जोड़े हैं, अब वृद्धि होगी, अब औसत में क्या हो जाएगा, उसके वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ 20 वही कम, कितने की वृद्धि हुई, 20 की। कितने सब्जेक्ट पर ये वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा, सारे सब्जेक्टों पर पड़ेगा, कितने सारे सब्जेक्ट हैं, 5, 4 बटे ये 20 हो गया। कोई दिक्कत, कभी भी नया बच्चा शामिल हो रहा है या नए सब्जेक्ट शामिल हो रहे हैं या सब्जेक्ट में गलती से कोई आपने कोई सब्जेक्ट में आपने गलती से कोई अंक कम या ज़्यादा लिख दिया। अब रही बात, अगर आपको औसत में आपके वर्दी पता करनी, कब पता करनी, जब औसत में वर्दी, जब हर संख्या में समान अंक जोड़े जाते हैं, समान अंक जोड़े जाते हैं तो औसत में वर्दी भी उतनी ही होगी। कितनी होगी, जितनी आप हर संख्या में संख्या ऐड कर रहे हो। मैंने कहा कि यदि किन्हीं पांच संख्याओं का औसत है वो कितना है, 45 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिए जाए, कितने जोड़ दिए जाए, 4 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा, तो बताइए जल्दी, क्या ये औसत का प्रभाव सभी पर सेम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आपको नहीं, कभी भूल जाओ परेशान, ऐसे देख लो, 1 और 2 का औसत कितना होता है, 3/2 बराबर कितना होता है, डेढ़। 1 और 2 का कितना होता है, डेढ़। अब मैं दोनों में समान संख्या जोड़ रहा हूँ, एक एक जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, तो औसत कितना हो जाएगा, 5/2 बराबर 2.5। यानी यहाँ पर भी 1 का प्रभाव पड़ा है, इसमें भी एक जोड़ा, तो औसत में भी क्या हो गया, 1 जुड़ कर उत्तर आया है। तो 5 संख्याओं का औसत 45 है, तो उसमें भी 4 जोड़ दो, औसत हो जाएगा 49। वेरी गुड। अगर कमी भी बराबर हो रही है हर संख्या में तो औसत में भी उतनी ही कमी हो जाएगी। जैसे हर संख्या में से 4 घटाया जाए तो औसत में भी 4 की कमी आएगी। ये हो गया वर्दी का। अब समान संख्या से गुणा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम कट से अगर गुणा कर रहे हैं हर एक संख्या को, जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो औसत को भी गुणा करना पड़ेगा, तो भी औसत को भी आपको क्या करो, गुणा करो। हर संख्या में भी 5 से गुणा हो रही है तो औसत को भी 5 से गुणा करो। बात क्लियर। अब कुछ सवाल और आते हैं, एग्जाम्स के अंदर आए हुए सवाल होते हैं कि कभी कभी आपको क्या किया जाता है कि संख्या की जगह x रख दिया जाता है। जैसे यदि x+3, x+7, x+9, या मैं x+1 ले लेता, 3x+7, x+9 का औसत 15 है तो x का मान क्या होगा। ऐसे सवालों में x का मान निकालना, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको यह देखना कि यह संख्या कितनी, मैंने 4 लिखी है, जानबूझ के मैंने 4 लिखी है,
क्या लिखी है, क्योंकि अब आपको पता है हर एक संख्या का बीच वाला पॉइंट ही उत्तर होता है उसका औसत। जैसे कि यदि यहाँ पर x प्लस 11 मैं लिखता और, तो आपको पता है इसका सेंटर पॉइंट क्या होता, x प्लस 7। तब मैं क्या करता, x प्लस 7 को 15 के बराबर रख देता, तो x का उत्तर आ जाता 15 माइनस 7 और x बराबर आ जाता 8। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर संख्या 5 की जगह 4 लिखी है। अब 4 लिखी है तो आपको 4 संख्याओं में सेंटर पॉइंट क्या होगा, बीच वाला होता है इन दोनों का, वो अपने को पता नहीं है, तो दोनों को जोड़ दो और बटे में क्या करो 2 का भाग दो। ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है। क्यों है 15 के बराबर, क्योंकि बीच वाला पॉइंट ही औसत होता है और औसत 15 दिया हुआ है। अब आप वज्र गुणा करो तो कितना आएगा, यहाँ 2x प्लस 10 बराबर 13, 2x बराबर 30 माइनस 10 और 2x बराबर 20, तो x बराबर 10, x की वैल्यू क्या आ गई, कितना सिंपल था। और दूसरी विधि से आप करते तो आपको पता है कि औसत राशियों का कितनी राशियां हैं, 4 है, तो औसत है 15, तो राशियों का योग करना है, तो 15 इंटू 4 करते 60 आता। फिर अपन क्या करते हैं, इन सभी को टोटल है वो 60 के बराबर रखते, फिर वो 9, 16, 3, 19 और 1, 20, 20 उधर जाकर 60 में से घट जाता, पीछे रहता 40, फिर यहाँ 4x है वो 40 के बराबर रखते, तो x बराबर 40/4 आ जाता। बड़ी विधि से करते ना तो भी उत्तर यही आता, समझ इन सभी। अब और कैसे सवाल घुमाया जा सकता है वो आपको बता देता हूँ मैं, दो तरह के सवाल और दे रहा हूँ औसत के अंदर। फिर कल अपन औसत के ऊपर सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो भी सवाल आए हुए हैं उनको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, यदि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुना है तथा तीसरी संख्या की आधी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अब यहाँ पर ये पहली संख्या है, ये मान लो दूसरी संख्या है, ये है तीसरी संख्या, जो छोटी संख्या है वहाँ से x मानेंगे, संख्याओं को क्या करेंगे अपन मानेंगे, लेकिन किससे स्टार्ट करेंगे मानने का, जो सबसे छोटी संख्या है। अब आपको पता है यहाँ सबसे छोटी संख्या है x, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या नहीं है तीसरी संख्या, तो x किसका आधा हो सकता है आपको पता है, 2x का। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की आधी है, सॉरी तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है, इसका मतलब जो दूसरी संख्या है ना वो तीसरी संख्या की डबल है, ऐसा ही हुआ ना, ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या की क्या हो गया, डबल, या तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी। और पहली संख्या क्या हो जाती, पहली संख्या दूसरी संख्या का तीन गुना, इसका तीन गुना का मतलब हो गया 6x। अब ये कह रहा है इन सब का औसत कितना है, 16 है, तो आप ये जोड़ दो राशियों का योग, ये हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बराबर कितना आना चाहिए 18, 6 और 2, 8 और एक ऊपर आ जाएगा 9x/3 = 18, ये 3 से कटेगा, 3x = 18 है, तो x बराबर आ गया 6, x की वैल्यू 6 आएगी, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 36, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ओके, तो दोस्तों अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, टाइम हो गया अपना, और कल है वो आप और क्वेश्चन लेके आना जो